हेलो गाइस, वेलकम बैक टू रियोलियो चैनल। और यहाँ रहे रियोलियो। रियोलियो हाँ जी, हाय। कैसे लोगों ने मुझे काला समझ लिया था। और गाइस, आज दिखाता हूँ मैं अपनी खूबसूरती। और गाइस, अभी हम ऋषिकेश की वादियों में और हम अभी बिल्कुल सूरज के मजे ले रहे हैं। और उधर उधर मोर चिल्ला रहा है बट दिख नहीं रहा है। और प्रतीक रहा जंगल में मोर ना था, किसने देखा गिरा है। और ये हमारे रियोलियो भाई। हाँ जी, एक बात बता सकता हूँ, जो सुबह से 5 बजे उठे पड़े हैं पर कुछ नहीं किया। अरे देख भाई, ये 4 बजे भी उठा, 3 बजे भी सोया था, 2 बजे भी सोया था, ये सोया है ना। ये ओएस भाई नहीं भाई आज। और अब मैं मिलाता हूँ आपको हमारे मेन हीरो से, नीरू भाई। नीरू भाई हीरो। तो गाइस, आप इधर से व्यू ले सकते हो कि हम कहाँ पे रुके हैं। हम पूरे कैंप साइट पर रुके हैं। और गाइस, हमने कल को ऋषिकेश में रामझूला नहीं जाके कल को हमने आपके पास स्विमिंग करी और बहुत मजा आया। एंड अब हम जा रहे हैं, पिछले ब्लॉग में तुम जरूर देखना। और अभी हम जा रहे हैं टेहरी पे। कहाँ पे? टेहरी पे का डैम पे। डैम पे जाएंगे, टेहरी डैम पे जा रहे हैं। ओल्ड टेहरी दोनों जाएंगे, न्यू टेहरी एंड ओल्ड टेहरी में दोनों में जाएंगे। तो फोटो खिंचाने में रह गया, उसने बैग से बाहर निकाल दिए, अब हम भी रेडी हो जाते हैं। ये देखिए, और नीचे जाते भैया लोगों से मिलता है। इसी कॉटेज में रुकने में बहुत मजा आया। रिसोर्ट, कॉटेज या कैंप, जो भी कह सकते हो, सब बेस्ट था। सबसे ज्यादा मजा हमने स्विमिंग पूल में करे। ये देखिए साहब, नीचे है स्विमिंग पूल। हर्षु ने जो तैरा है ना, उसका अनुभव हर्षु से पूछना, उसके बराबर वो बता ही नहीं सकता तुम्हें। क्यों कहा गया? अरे चिबड़ू, अरे वो अंदर बैग है को ले जा रहे नीचे की ओर, तो बढ़ रहे हैं। मगर एक चीज़ का साउंड बड़ा प्यारा लग रहा है, ये सुनोगे? अब तो आ ही नहीं रहा यार, अब मेरी चिड़िया बोल नहीं रही है। ये देखो, ये चिड़िया बोलने लगी यार, ये देखो इसी। इसमें हमने एक चिड़िया छुपा रखी है। बट अब हम सीधे गाड़ी की ओर बढ़ते हैं यार, तो नीचे मिलते हैं। हो गया हमारे यहाँ से सारा का सारा जो भी होना था, चेकआउट वेकआउट। बट अब साथ बजे हमें लेना टिहरी डैम को। कैसे चलोगे रे? सामान रखते रखते ना, इन्होंने इतनी देर कर दी है, पता नहीं क्या एडजस्टमेंट कर रहे हैं। बट मैं तो जाता हूँ गाड़ी के अंदर भैया। दोस्तों, अब बैठ जाते हैं अपनी डेस्टिनेशन की ओर के लिए। आइए, अब यहाँ पर भी लगा दी, तो बैठो, बैठने तो है। ऊपर लगा दो, दाएं लगा दो, बाएं लगा दो, क्या होता है? ऊपर नीचे, बाएं दाएं बाएं, सीधे बैठना है, बैठो। हम लोग चल पड़े हैं टेहरी की तरफ। और भाभी ने हाथ मुलाकाना स्टार्ट कर दिया। और भाभी ने आज मुलाकाना शुरू कर दिया है। भाभी का ब्रेकफास्ट हो गया। जिसे आपने रील पे देखा होगा, वो हम आपको फिर से रील पे ही दिखाएंगे। ब्लॉग पे दिखाएंगे, बोला रील ही। तो गाइस, हम लोग टेहरी को जा रहे थे बट हमारा प्लान जो है वो चेंज हो गया है। और अब हम कहाँ गए? अभी हम ऋषिकेश घूम रहे हैं। अब हम ऋषिकेश, मेन ऋषिकेश में आ गए। और चेंज गर्मी को देखते हुए, और यहाँ पे और ये बहुत ज़्यादा गर्मी। बट हमने यहाँ पे कैसे ब्रेकफास्ट वगैरह किया, और अभी हम जा रहे हैं रियोलियो के पास। और वो हैं बहुत ऊपर, वो फिर बस उनके पास जा रहे हैं पैदल पैदल बहुत गर्मी में। क्या आप बताओ अपना एक्सपीरियंस? गर्मी बहुत है यहाँ पे सुबह सुबह बस। और नाश्ता लेकिन बढ़िया था, अभी हमने नाश्ता करा जो। और रियोलियो बेचारे भूखे घूम रहे हैं। ओके, बट तो देखते हैं वो आ गया है सामने, रामझूला लक्ष्मण झूला, राम झूला या लक्ष्मण झूला जो भी है, मतलब आ गया है लक्ष्मण झूला आ गया है। और ये लोग राफ्टिंग कर रहे हैं, बस जा रहे हैं मार्केट पे ही हैं अभी हम। सो गाइस, हम लोग यहाँ पे को आगे को जा रहे हैं, ये मार्केट है यहाँ पे। क्या बोलना चाह रहे हो आप? ये प्राचीन हनुमान मंदिर है ऐसा ये कह रहे हैं हमसे। और ये हमारे योगी भाई परेशान हो चुके हैं यहाँ पे, क्योंकि गर्मी इतनी हो रही है और ये थोड़े इनको लू लग गई है लग रहा है। शांत हो गए हैं बहुत, बस अभी हम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं इतनी गर्मी में। लेट्स सी कहाँ जाते हैं, रास्ता मिलते हैं। अब भाभी लोगों ने हमको वापस बुलाया है और हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं। कौन सी आइसक्रीम खा रहे हो? मैं नहीं खा रही है। यही है बस, कौन है? हाँ, बहुत टाइम बाद खा रहा हूँ। कैसी लग रही है भाभी आपका? मैं भी यही खा रहा हूँ काफ़ी टाइम बाद, ये वाली स्टॉल से। हम लोग आ गए हैं कौन से झूले पे भाई? कौन से झूले? लक्ष्मण झूले पे आ गए। और हम यहाँ से नीचे देख रहे हैं तो यहाँ पे राफ्टिंग हो रही है, लोग मज़े कर रहे हैं और हम घूम रहे हैं लक्ष्मण भाई। ये रहा लक्ष्मण झूला और ये लोग कर रहे हैं राफ्टिंग। और ये है नीरू भाई, ये है भाभी, आगे चले गई हैं। आप क्या बोलना चाहते हैं? कुछ नहीं कहना चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ये पुल हिल रही है। हाँ गाइस, और ये जो वो झूला है ये हिल रहा है पूरा, इतना हिल रहा है, मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है भूकंप आ गया है। ओके गाइस, मिलते हैं आपको दोस्तों। पूरा रास्ता भटकने के बाद
अब हम सही रास्ते पे आए कि नहीं आए ये भी पूर्ण विश्वास नहीं है मेरे को। तपोवन में तपने के बाद, अरे भटकाने के बाद नहीं भाभी, ये गलती मैंने नहीं भटकाया कुछ, मैंने साफ साफ बताया था मैं वहाँ हूँ त्रिवेणी घाट के। वो देख सही जा रहे ना। सो दोस्तों अब हमें जाना है बहुत दूर। देखो सबके सब कैसे बैठे हैं। हर्षो क्या कहेगा भाई? तपोवन में तप गए। अच्छा तप गए, तू तो डजी गया है, तू तपा नहीं, तू डजी गया जैसा भात घोसता है ना वैसा हो गया तू। बुझ गया हूं मैं, बुझ। अच्छा चलो फिर चलते हैं अपनी डेस्टिनी की ओर, जो यहाँ से करीबन 70 किलोमीटर ही डेस्टिनी ही वही है भी, किस्मत तो हमारी या डेस्टिनेशन कहो कुछ कहो। तो फंस चुके बड़ा बुरा, बिहारी को जान नहीं दे रहे हैं और हमारे पास कोई दूसरी डेस्टिनेशन है नहीं, कहाँ को जाया जाए। सीएनसी और पहले पानी ले आ रहे हैं। हर्षु भैया का मूड खराब हो रहा है, ये पता नहीं किस सदमे में है, किसने खाना नहीं करा, इसको नींद लगी है। भाभी का मूड इसलिए खराब है क्योंकि हम टिहरी हमारी जो डेस्टिनेशन वहाँ जा नहीं पा रहे। अच्छा तो अब हमारा अगला प्रोग्राम क्या रहेगा वो सोच रहे हैं। रोड जाता है पूरा का पूरा चौराहे में पहुंच चुके हैं, हमें जाना देहरादून इधर उधर को। अब सोच रहे हैं चक्राता अखराता का प्रोग्राम कह रहे हैं, पता नहीं किधर को जाएंगे भैया। सो लेट्स बिगिन। पहले तो हम आए हैं यहाँ पर होटल मोती महल इन, प्योर वेज फैमिली रेस्टोरेंट। पहले कुछ खा लेते हैं उसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते कहाँ जाते हैं। तो प्लान थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, सोच रहे मछली जाए, मछली देखते हैं मछली को जाएगा। तो हर्षु मछली जाएगा। फाइनली होटल के अंदर आ चुके दोस्तों, ये देखो लोग क्या क्या करवा रहे हैं, वहाँ हैंड वॉश से भी मुंह धोया जा रहा है देखो सामने। देखो खाना के अंदर और इसने भी लपेट लिया है खाना पूरा। कैसा लगा तुम्हें खाना? बताओ कैसा लगा? अचार पसंद आया। हाँ, मेरे को भी अचार पसंद आया क्योंकि गाजर का था ना इसलिए। अचार बेस्ट था, मैं तो खाने पाई बताएगा। अचार बेस्ट था। गाड़ी में भी रखा है, गाड़ी में भी तो रखा है, गाड़ी में भी तो है, वो भी तो महंगे। अचार ही अचार है गाइस। तो गाइस हमारा पोपट हो चुका है, हम जा रहे थे टिहरी जा रहे थे बट अब हम देहरादून जा रहे हैं, हमारा बहुत पोपट हो चुका है गाइस। अब हम क्या करें, लियो का तो इतना मूड खराब हो गया वो ब्लॉग भी नहीं बना रहे हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं क्यों रहा है। अब देखते हैं मसूरी को निकलते हैं, लेट्स सी क्या होता है। मैंने फिर से स्टार्ट करते हैं, ये जो रास्ता जा रहा है ये नहीं जा रहा है, हम सोच रहे हैं कि यहाँ से ट्राई करा जाए, इसका भी मूड खराब है। ये देखो ये सर्च कर रहा है कैसे थे उनको कन्वेंस करा जाए, सामने जो पुलिस वाले हैं ना उनको कन्वेंस करना चाहिए। वो रास्ता है जहाँ से जाना है हमें अभी, फाइनली चंबा 58 है नरेंद्र नगर 17। ओ भाई यहाँ पर तो दिख नहीं रहा, ठीक है उत्तरकाशी दिख रहा है। चलो देखते हैं अभी क्या होता है सीन। ये पहले हमारे तो टैलेंटेड बंदे उतर चुके हैं पीछे क्षेत्र में, अब पता नहीं इनकी इन्फॉर्मेशन पता नहीं कैसी रहती है, अब हम भी देखे। ये है वो उस्ताद आमिर खान का, ये देखो। सो गाइज एक खुशखबरी है, मैं गया था पुलिस वालों के साथ बात करने मैं, और गाइज मैं गया तो उन्होंने अपनी इनसाइडर वाली बात बताई है कि एक वीआईपी बंदा आ रहा है उसके चक्कर में इन्हें रोड बंद करी है और बस वो बोल रहे हैं कि एक घंटे में आप आओ आपके लिए हम रास्ता खोल देंगे। तो अभी हम एक घंटे में अब हम जा रहे हैं मसूरी, मसूरी से सीधा जाएंगे हम टिहरी को, तो हम वहीं से जाएंगे। ओके बाय बाय गाइज। इनका प्लान ऐसा चेंज हो रहा है मैं क्या बताऊँ यार। पोपट तो कट रहा है मगर मसूरी ले चलिए हमें। मैंने आपको बताया था टिहरी, सॉरी टिहरी मसूरी तक जाएंगे, टिहरी मान क्या हो गया मेरे पापा ने। बाप रे इनके बालों को क्या हो गया, घूम लिया भाई, भटका दिया इन्होंने। देखो मसूरी वाले रोड ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, मसूरी यहाँ से 9 किलोमीटर है बस भैया। कितना है पहुँच जाएंगे यार हम लोग, मैं बाइक से गया था पिछले बार चला दोस्तों, लगता है कमर दर्द हो गई दोस्तों। ये है बड़ा सा पुल, पुल भी नहीं कहते पार्किंग कहते हैं यार, पुल तो हमारे नाम से हुआ। और ये मसूरी की पार्किंग है, देखो ये कार पार्किंग कितने रुपए पता नहीं प्रवेश द्वार इसका। हर्षु को पता होगा, हर्षु यहाँ डेली आता रहता था ना, देहरादून में रहता था। क्या यहाँ पे पार्किंग के बारे में पता ही होगा, ठंडी हवा मिल गई है इसलिए हम थोड़ा बोलने लग गए, वरना हमारे दिमाग में लू चढ़ गई थी। और गाइस बस हम पहुंच गए हैं मसूरी, ये हवा आई तो हम हमारी बोलती खुल गई है, बस आपको हम आपको दिखाते हैं मसूरी। तो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं मसूरी पे, और राकेश भैया अभी जाम में फंसे हुए हैं इसलिए उनकी ब्लॉगिंग मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। और ये रहे नीरज भाई, ये रही भाभी,
और अभी हम हैं मॉल रोड पे और अभी हम घूम रहे हैं। ये रही यहाँ की मॉल रोड, मतलब अभी हम अंदर नहीं गए हैं, अभी आपको हम बाहर से दिखा रहे हैं कि ऐसी। तो गाइस हम लोग एंटर हो चुके हैं मॉल रोड पे एंड आपको मैं मॉल रोड दिखाता हूँ कैसी है। अच्छी है, वेदर भी अच्छा है, सब अच्छा है। और ये रही मसूरी की मॉल रोड एंड यहाँ का वेदर भी बढ़िया हो रहा है, सब कुछ बढ़िया है, गर्मी से राहत मिली है। तो गाइस अभी हम आए हैं मसूरी पे, यहाँ की फेमस क्या गाने, सॉफ्टी गाने एंड अभी हम सॉफ्टी खा रहे हैं इधर पे, देखिए कैसी होती है। और अभी हमने ऑर्डर किया है 2-in-1, दिखाओ अभी कैसी है ये, ऐसी है 2-in-1। ओके तो आपको टेस्ट करके बताएंगे कैसी। गाइस अभी हमने पूरा एक्सप्लोर कर लिया है मॉल रोड, सॉफ्टी भी खा लिया, सब कुछ कर लिया है, यहाँ पे जो भी चीज़ें थी करने को वो हमने कर चुके हैं, फोटो भी क्लिक ले रहे हैं, फोटो भी क्लिक कर ली है। और बस हम अभी यहाँ पे आए हैं फोटो क्लिक करने, वो भी मेरी नहीं, इन जनाब की हम फोटो क्लिक करने आए हैं। हम आपको मिलते हैं अब सीधा गाड़ी में, फोटो क्लिक करने का। ओके बाय। तो फाइनली आई एम बैक और सिमरन में तो गाड़ी में बैठ गया, क्योंकि हमें लगा कि गाड़ी से हमें भगा दिया जाएगा, इसलिए हम गाड़ी में बैठ रहे थे। और इन्होंने ऋषिकेश घुमा और मसूरी भी घुमा और हम हॉस्पिटल में थे। हाँ देखो अभी भी स्टिचेस लगे उसके, यानी कि पट्टी करवा की है, इसको ग्लूकोज की बोतलें लगाई गई। अब हमारे जाना है टिहरी भाई, रात को 7:30 बज चुके हैं, 8 बजने वाला है, टिहरी निकल रहे हैं यहाँ से अब हम 8 बजे। तो टिहरी यहाँ से करीबन 60 किलोमीटर है, 60-70 किलोमीटर। तो हम निकलते हैं मसूरी में, इनको बहुत मजा आया क्योंकि हर्ष ने हमारा ब्लॉग जो है कंटिन्यू करा था। अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर को भैया, सारे रास्ते में ये जाता है सीधे टिहरी, मसूरी से नीचे उतर चुके हैं और जाते हैं सीधे दौड़ कर आगे की ओर को भैया। दोस्तों मैं काफ़ी देर आगे चलने के बाद भाई ये जा रहा धनोटी को, देखो कपलाली जाना है और यहाँ से देहरादून का जो नज़ारा तुम देख सकते हो कितना ज़बरदस्त लग रहा है भाई। ये चीज़ें देखने के लिए तो लोग भाई कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, देखो। हाँ जी, डरा हुआ है पीछे से, शू चेंज करके अब चप्पल पहनी है इसने, मगर जो नीचे का नज़ारा है भाई उसको देखे तो यार सच में मज़ा ही आ गया। देखो यार पूरा देहरादून कैसा लग रहा है भाई। और हमें अभी 23 किलोमीटर का रन करना है यहाँ से आगे की ओर जाना है, और उसके बाद हमें 50 किलोमीटर का रन और करना है, टोटल में आके हमें 66 किलोमीटर का रन टोटल करना है। तो निकलते हैं भाई। वी टेकिंग अ रूम हियर, आपको क्या बताऊँ, बट इन लोगों ने हमें यहाँ रुका रखा है यहाँ पे, ये तो भाभी सो भी गई है। मेरा मन तो यहाँ रुकने का था दोस्तों, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ गाइस, मेरा मन इसमें रुकने का है, बट इन लोगों ने मुझे यहाँ रुका दिया। फाइनली गेम ओवर, अब बिस्तर पड़ना है, बस हो गया। मेरा शुरू होते ही खत्म हो गया भाई, तूने खा लिया था ना? हाँ मेरा हो गया। तो अब सोते हैं भाई, मिलते कल सुबह, सीधे टिहरी में जाएंगे टिहरी, इसके साथ ये देखो थंबनेल दिखा रहा है 02। तो दोस्तों कल मिलते हैं फिर, नाउ स्लीपिंग टाइम, बाय बाय, सी यू टुमारो।